माननीय सांसद गोंडा कीर्ति वर्धन सिंह जी और राजा भैया आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं दिनेश कुमार शुक्ला पूर्व प्रधान इटिया थ्रो रनर प्रत्याशी जिला पंचायत इटिया थ्रो चतुर्थ। महोदय बड़ी विडम्बना है, बड़ी पीड़ा है, बहुत अफसोस है। 7 साल पूर्व आज के तारीख में ही मेरी जेल से रिहाई हुई। क्यों मैं जेल क्यों गया था? इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर के, इटिया थोक में रिजर्वेशन काउंटर को लेकर के, पूर्व में इटिया थोक बाबागंज मार्ग पर जो फाटक लगा, गेट बंद हो गया, 3 किलोमीटर दूरी घूम कर लोग जा रहे हैं, गेट लग गया। रेलवे की अपनी व्यवस्था थी, उसने किया, परंतु संफार फाटक पर परिस्थितियां ये हो रही हैं कि आए दिनों स्कूल के टाइम पर गेट बंद होता है, घंटों बंद रहता है, जाम लगता है, जिस वजह से विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है। इसी क्रम में ब्लॉक मुख्यालय हमारा उपहार पड़ता है, क्षेत्रीय जनता को जब एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, एम्बुलेंस में कोई पेशेंट होता है तो वो पेशेंट भी यूं ही फंसा रहता है। हमारा कस्बा इटिया थोक जो कि नगर पंचायत की हैसियत को पूरा करता है, परंतु विभिन्न कारणों से ये इटिया थोक नगर पंचायत नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ दर्जनों के राष्ट्रीयकृत बैंक, दर्जनों इंटर कॉलेज, शिक्षा क्षेत्र के शरणस्थली, ब्लॉक मुख्यालय, 132 केवीए का पावर हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जयप्रभा ग्राम संचालित ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हमारा बाबा पृथ्वीनाथ, मनोरमा नदी उद्गम स्थल आदि तीर्थ स्थलों से सुशोभित होते हुए किन्हीं कारणवश हमारा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र से दूर रह गया। स्थितियां ये हैं कि लगातार पिछले कई वर्षों से गोंडा के सांसद के रूप में आप अपना कार्य भार देख रहे हैं। विषय यह है कि मैं जेल गया, मेरी जमानत हुई, मैं वापस आया, लेकिन 7 साल लगातार बीत जाने के बाद इन 7 सालों के बीच में प्रदेश में तमाम जगहों पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, कम कम दूरी पर हुआ, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ऐसे ऐसे रिकॉर्डेड हैं जिसकी जब आप जांच कराएंगे तो वास्तविकता में आपको स्वयं पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। हमारे क्षेत्र का क्या दुर्भाग्य है, हम लोग दुर्भाग्यशाली क्यों हैं? इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हमारे इटिया थोक क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है इसलिए कि मैं आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन सांसद के रूप में आप कभी भी नहीं हों। यही जनता, यही जनमानस, आप जब समाजवादी पार्टी के सांसद रहे तो ये जनता आपको वोट देती थी, आप भारतीय जनता पार्टी से आए तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया, और उसी जनता, वही मतदाता 29 नवंबर 2016 को सुबह इंटेलिजेंट रेलवे की रिपोर्ट, जलायु पुलिस विभाग गोंडा की रिपोर्ट, यह कहती है कि 15,000 से 20,000 की भीड़ कड़कड़ाती ठंड में मौजूद हुई थी। खरीदी हुई जनता नहीं थी, पैसे देकर के जनता को नहीं बुलाया गया था, वो आम जनमानस की बात थी, आम जनमानस ने अपनी बात को रखा था और हमारे कंधे से कंधा मिला करके उसने अपनी, हमारी आवाज को बुलंद नहीं किया था, उसने अपनी मांग को बुलंद किया था, यह कहते हुए कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नितांत आवश्यक है जो इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है। मगर क्यों, कैसे, क्या कारण है, बहुत गहराइयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन लोगों के कारण इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं हो पाया या जिनके कहने पर नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि वो लोग उस इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव का, इंटरसिटी का प्रयोग नहीं करेंगे, या वो लोग इस चीज से या उनके समर्थक इस चीज से दूर रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे। इस क्षेत्र की समस्याओं को पूर्व में पिछले 20 सालों से मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन, भूख हड़ताल करके
समस्याओं को निराकरण कराया हूँ, एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ठहराव छोड़कर बाकी सारी चीजों का निराकरण हुआ है। महोदय मैं पुनः, क्योंकि 7 साल बेमिसाल लगातार बीत जाने के बाद आज दिनांक 30 नवंबर 2023 को मैं पुनः एक पत्र मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, माननीय जिलाधिकारी महोदय गोंडा के साथ साथ आपको भी रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से भेजा। महोदय आपसे निवेदन है कि हमारा जो प्रार्थना पत्र आपको रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से गया है, इस पर अपना रिकमेंडेशन लेटर लगाते हुए आप रेल मंत्री से सहानुभूतिपूर्वक यदि इस क्षेत्र की भावनाओं का कद्र करते हुए पैरवी करेंगे तो आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, रेलवे की भूमि पे बाहर रहा कस्बे का जल, जो जल निकासी और कहीं रास्ते से नहीं है रेलवे स्टेशन, रेलवे की भूमि पे, पूर्व में मैंने रेलवे में लिखा पढ़ी की थी, रेलवे ने मुझसे 38 लाख रुपए की मांग की थी सिक्योरिटी के लिए, जो कि कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दे सका। लेकिन जब कस्बे का पानी रेलवे भूमि पर भरता है तो रेलवे का भी नुकसान हो रहा है और आम जनमानस के जल निकासी न होने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में रेलवे, रेल मंत्रालय अपनी भूमि में अपने जल निकासी, अपनी जमीन को सुरक्षित करते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराए जिसमें आम जनमानस का भी जल निकलता रहे, कस्बे वासियों को जल निकासी की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में पूर्व में जो अंडरपास की मांग चल रही है, छोटी गाड़ियां, स्कूल बस, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल निकलने के लिए अंडरपास का निर्माण कराया जाए, जल निकासी की व्यवस्था की जाए, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलवाया जाए, इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव करवाया जाए एवं उसके साथ साथ इटिया थोक बाबागंज मार्ग को जोड़ने वाली जो रेलवे परिसर में भूमि है उसको रेल मंत्रालय स्वयं के खर्चे से निर्माण करने का कष्ट करे, क्योंकि पूर्व में विधायक महनों द्वारा यह प्रयास किया गया था कि उक्त सड़क का निर्माण करवा दिया जाए, परंतु रेलवे विभाग द्वारा NOC न देने के कारण लाखों लोगों के आवागमन गमन में बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन सब विषम परिस्थितियों में जब क्षेत्रीय जनता में आम जनमानस के साथ घूम कर क्षेत्र में निकलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए, तो लोगों का यह कहना होता है कि क्या विडंबना है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं आई हमारे क्षेत्र में, ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसके कारण हमारे क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है। इटिया थोक से गुंडा के लिए निकलिए तो सुहागपुर माल गोदाम की क्रॉसिंग पर घंटों लोगों को जाम झेलना पड़ता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया गुंडा बलरामपुर मार्ग, इटिया थोक का बिसोही पुल जो कि अब प्रदेश स्तर से नहीं रह गया, केंद्रीय स्तर से रह गया, ये 7 काम जो आपके संसदीय क्षेत्र के हैं, जो आपके ही पैरवी से हो सकता है, दूसरे का इसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता है। और लोग कहते हैं कि माननीय राजा भैया किसी प्रकरण पर जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन यदि वो किसी प्रकरण पर इन्वॉल्व हुए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो काम होकर रहता है। मैं अपने मेहरवान विधानसभा वासियों की तरफ से, इटिया थोक जिला पंचायत क्षेत्रवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत इटिया थोक वासियों की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से मैं आपसे अपील करता हूँ कि महोदय हमारे इस मार्मिक वीडियो पर आप सुने, अध्ययन करें, गंभीरता से विचार करें, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस समाज के लिए, इंटरसिटी एक्सप्रेस ठहराव के लिए आप आगे आवे और इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव कराओ। इससे जनता आपकी आभारी रहेगी, मेरी नहीं। मैं तो सिर्फ रो सकता हूँ, मेरा काम है रोना, मैं मान सकता हूँ, मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। एक बार पुनः मैंने